गाइस, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। 2019 में मैं और देवेश, हम दोनों कनाडा एक साथ आए थे, स्टडी वीजा पे, अलग अलग फ्लाइट पर एक साथ आए थे। तो हम इस वीडियो में देवेश को साथ लेंगे। मतलब सिर्फ ये है कि जितना मैं कनाडा में रहा हूँ उतना देवेश भी कनाडा में रहा है, और जितना मैंने फेजेस ऑफ ट्रांजेक्शन देखी है उतनी ज़्यादा देवेश ने भी देखी है। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है कि क्या 2022 में जो स्टडी इन कनाडा है वो बैक टू नॉर्मल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बैक टू नॉर्मल से मेरा मतलब है 2019 का नॉर्मल, जब किसी ने COVID-19 का नाम भी नहीं सुना था और बिल्कुल नॉर्म्स तो खैर क्या फॉलो करनी है, मास्क सिर्फ वो लोग डालते थे जिनको एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम थी, कनाडा में नहीं डालते थे। क्या चेंजेस आने के चांसेस हैं 2022 में? और पहले देवेश का व्यू पॉइंट ले लेते हैं। तो 2019 को और 2020 को और 2021 को, तीनों को अलग अलग कैसे देखता है? 19 को मैं इस वे में अलग से देखता हूँ कि 19 में लिबर्टी थी मेरे पास। 19 में जब मैं आया था नया नया, तो वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने एक्सप्लोर करी कि मैंने कनाडा बहुत एक्सप्लोर किया। मैं रेने जॉर्ज गया, मतलब कुछ जगहों के नाम बता रहा हूँ जहाँ पे मैं गया। मैं रेने जॉर्ज गया, मैं नायग्रा फॉल गया, मैं ब्लू माउंटेन गया, मैंने चीज़ें देखी। बट 2020 में जब लॉकडाउन लगा है तब से मैं घर में हूँ। वन ऑफ द थिंग जो मुझे फेस करनी पड़ी लॉकडाउन में वो था कि मेंटल डिप्रेशन के, घर पर बैठना पड़ा यार, जॉब नहीं थी, घर पे बैठना पड़ा, और अगर पार्ट टाइम कर रहा था तो आवर्स बहुत कम हो चुके थे। अगर तुम 2021 की बात करो, 21 में ऐसा था कि लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ चल रहा था, तो काम तो मिल रहा था बट चीज़ें नहीं खुली थी। सो एक चीज़ का तो बेटर था कि मैं अपने आप को इंडिया वालों से कंपेयर करता था, तो आई यूज़ टू फील गुड कि मेरे पास एटलीस्ट काम है, पैसे हैं, मैं पैसे कमा रहा हूँ, घर भेज रहा हूँ। और बट एट द एंड ऑफ द डे काम था सिर्फ नाम के लिए, कहीं पैसे खर्चने नहीं जा सकता था मैं। सो दैट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक। एंड प्लस जब कनाडा में स्नो गिरती है तो आगे चीज़ें डिप्रेसिंग होती है। अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले 4-5 महीने जो एक लिबर्टी के आए थे, तो तब एक रे ऑफ होप नजर आती थी तो 2022 में सब खुल जाएगा। एटलीस्ट जो क्लासेज, मैं आपको बता दोस्तों कि हुआ क्या था, पहले क्लासेस टोटली जो है बंद हो गई थी, उसके बाद इन लोगों ने सिर्फ एक लैब के लिए हमें बुलाना शुरू कर दिया था। मतलब कि बेसिकली आपको सिर्फ एक महीने के लिए, 4 महीने के कोर्स में से सिर्फ एक महीने के लिए आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। वहाँ पे आप कोई फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते, कोई जिम यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ऐप वहाँ फालतू बैठ नहीं सकते हो। आपने सिर्फ अपनी 2-2.5 घंटे की जो भी लैब है वो वहाँ के लगानी थी। और जो लोगों का कोर्स पूरी तरह से ऑनलाइन था, जिनको लैब की जरूरत नहीं थी, उन लोगों को उन्होंने पहले ही बोल दिया। और उन लोग तो नए स्टूडेंट्स को भी जो बुला रहे हैं उनको भी टोटल। और अभी यू नो इंटरेस्टिंग बात क्या थी, मेरा एक वन ऑफ माय व्यूअर्स फ्रॉम यूट्यूब, दैट पर्सन वाज कमिंग इन सैनिका कॉलेज। तो सैनिका कॉलेज जनवरी इनटेक में वो इंसान आ रहा है, और उसको उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा कोर्स टोटली ऑनलाइन एज पर एज उसने मेरे को बताया। आई वाज कंप्लीटली सरप्राइज। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है जो मुझे लगता है एक स्टूडेंट को भी मतलब अप फ्रंट पूछनी चाहिए कॉलेज से, कि अगर फी सेम है और क्लासेस ऑफलाइन है तो क्या फायदा है। मैं मतलब अगर ऑफलाइन ही क्लास लगानी है तो मैं इंडिया से लगा लूंगा। मेरा पॉइंट ये है कि 2022 में अगर उसको भी स्टार्टिंग में बोल दे कि तेरा पूरा कोर्स 1 साल का 2 साल का टोटल तेरा कोर्स ही ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, तो फिर मतलब क्या ये लोग जो है आने वाले 2 साल में बिल्कुल भी रीओपनिंग देख ही नहीं रहे? रीओपनिंग तो मुश्किल ही लग रही है यार। देखो मेरी प्रेडिक्शन ये है, ये हर साल गर्मियों में खोलेंगे, हर साल ये लिख के ले लो। चाहे अभी वीडियो देखोगे तो मेरे को बोला कि देवेश कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करता है, बट ऐसा नहीं है। टोटल कंट्रोल कहीं ना कहीं तो ये ले ही रहे हैं। देखो 3 साल से हो गए ऑलमोस्ट, किसी ने विंटर्स इंजॉय नहीं करी है। 3 साल से कनाडा में क्रिसमस मार्केट ही नहीं लगी है, 420 फेस्टिवल नहीं हुआ है। क्रिसमस मार्केट लगी और उसमें से बड़े केस निकल गए हैं। क्रिसमस मार्केट इस साल लगी थी, उसमें 11 के 12 स्टॉल्स थे जहाँ पे यूजुअली 50 से 60 स्टॉल्स लगते हैं। बड़े कई फेमस यूट्यूबर पूजा गुलाटी, शी गॉट कोविड एग्जैक्टली। देख लो अब रिसेंट की बात ले लो यार, परसों 3 दिन पहले मैं भी बीमार था, मुझे भी लग रहा था कि कोविड का टेस्ट करा लेता हूं। 1 दिन पहले मैं भी बीमार था। हाँ। पर वो कोविड नहीं था, वो फ्लू था, क्योंकि सर्दियां थी, हम लोग बर्फ में घूमे थे बिना जैकेट्स के, और वो फ्लू का नाम है इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा का जो फेटलिटी रेट है वो कोविड से ज्यादा है। बट इन्फ्लुएंजा के तुम्हारे को शॉट्स मिल रहे हैं, फ्लू शॉट मिलते हैं और जाते हैं इजीली, मास्क लगता है आपको, कॉलेज ही लगवा देता है वो, कॉलेज का फ्री लगता है, फ्री लगते थे हमारे कॉलेजेस में। उसके अलावा यहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट है, वहाँ पे भी आपको अपना, अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस नंबर दिखाओ अभी तो इजीली मिल जाता है। 2022 जनवरी का जैसे मैंने बताया जी, कोर्स एक पूरा ऑनलाइन। दूसरी तरफ से एक और मेरे नोन में है जिनका इस टाइम स्टडी चल रहा है सेंटेनियल से, और उनको कॉलेज ने बोला था अभी से 1-1.5-2 महीने पहले कि आप लोग प्रिपेयर करो कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर हो सकता है सारा ऑफलाइन हो जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। एक तरफ से बुलाया जा रहा है ये बोल के कि पूरा कोर्स ऑनलाइन है,
और दूसरी तरफ जो इस टाइम कर रहे हैं बच्चों, उनको बोला जा रहा है, तो क्या क्या हम सोचते हैं, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ के सर्कमस्टांस, क्योंकि हमने लोगों तीन फेज देखे हैं। नंबर वन जब पूरा कॉलेज सही था, नंबर दो जब कॉलेज जो था वो मतलब बिल्कुल बंद हो गया, और नंबर थ्री जब उन्होंने जो मैंडेटरी चीजें हैं, मतलब जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, अब तुम्हारे को लैब में काम सिखाना है, इलेक्ट्रिकल वर्क सिखाना है, फर्मेंटेशन सिखानी है, इनोक्युलेशन सिखानी है, मतलब मैं ये टर्म्स मेरी फूड से रिलेटेड है तो मैं उनकी बोल रहा हूँ, बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि फुल क्लासेस लगेंगी तो नो, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम 2022 में आ रहे हो, बाकी सर है हमारे वो ज्यादा अच्छे से करेंगे सजेस्ट, बट अगर तुम 2022 में आ रहे हो सेलेक्ट अ कोर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबका अल्टीमेट गोल यहाँ पे आने का यही है पीआर, कोई यहाँ पे पढ़ने नहीं आता, अगर कोई इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेगा कि मैं पढ़ने आ रहा हूँ इधर तो मेरे से थप्पड़ चलेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सेटलमेंट होती है, एक फ्यूचर सेटलमेंट होती है और एक जरिया होता है स्टडी, ये बड़े सारे लोग के साथ होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ भी ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग फूड एंथुसियास्ट थे तो वी आर रियली इंटरेस्टेड टू गोइंग इनटू फूड इंडस्ट्री, बट मैं पीआर के लिए आया था यार। हाँ, इसी बात मैं इंडिया नहीं रहना चाहता था, बिकॉज़ इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, इसके लिए मैं कनाडा मूव हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर, इनकम बेटर, इन जनरल बेटर हेल्थ के लिए, बेटर डेवलपमेंट। मुझे आप बोलते थे कि मैं फूड एंथुसियास्ट हूं, मैं वो उस टाइम पे तो हम कॉलेज में थे तो इंप्रेस करना होता था ना लड़कियों को या लोगों को, यू कैन से, तो फिर बंदा बड़ी बातें बोलता, बट अगर मेरा सजेशन ये होगा अगर तुम ऑनलाइन फुल कोर्स अगर तुम्हारा ऑनलाइन है तो इंडिया से बैठ के पढ़ लो, तुम्हारे पैसे बचेंगे, जो वर्क परमिट तो 2 साल बाद मिल ही जाएगा ना, कोर्स ऐसे सेलेक्ट करो जो फुल ऑनलाइन हो, जिनकी लैब्स वगैरह का पचेड़ा ना हो, मतलब तुम्हारे को सबमिट करने हैं ऑनलाइन ही सारे असाइनमेंट सबमिट करने, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनमें कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होते, सो स्टे इन इंडिया, सेव अ लॉट ऑफ मनी। कभी एक फ्लो निकल गया है अभी ताजा ताजा जी, बताओ। मेरे ऐसे ही सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे को थोड़ी पहले ऐसे ही वीडियो पे कमेंट करे, बाद में इंस्टा में डीएम करके मेरे को उन्होंने पूछा था, एट द रेट मैक्साइज लाइफ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को डीएम किया था कि ऐसे हुआ है भैया कि मेरे एक कोई मतलब ऐसे कोलैबोरेटिव कॉलेज था उनका, पूरा पब्लिक का कोलैबोरेटिव कॉलेज था, उसमें उनका कोई एक कोर्स फेल हो गया तो कॉलेज उनको बोल रहा है कि पूरा कोर्स दोबारा करो, एक कोर्स फेल हो गया पूरा प्रोग्राम जो है रीएडमिशन लेके दोबारा करो, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है अभी रिसेंटली। और अगर यही वो कैनेडा के अंदर होता तो फिर आई थिंक एक आपका जो कोर्स है भैया आप रिपीट करते, बट मैं समझा नहीं अभी उन लोगों ने, देखो मान लो कि अगर आपने 7 courses का एक प्रोग्राम है जी, उसमें से एक फेल हो गया, 6 पास हो गए, 1 फेल हो गया, तो उसको बोल रहे हैं अभी आप ऐसे करो सर कि अभी आप दोबारा से एडमिशन लो, क्यों? अगर वो कनाडा होता तो उसके ऊपर ये कंडीशन तो फिर भी सेम ही रहती ना। तो हमने जो आज तक अपनी स्टडी के दौरान देखा है, यहाँ तो उनका कुछ स्पेशल टर्म होगा उस कोर्स के जो मेरे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ एग्जैक्ट, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ कॉलेजेस का नहीं यार, थ्रू आउट वर्ल्ड हर कॉलेज में ये होता है कि तुम अगर एक सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 10 पढ़ रहे हो, तुम्हारे 9 पास हो गए, 1 फेल हो गए, तो यू ओनली रिपीट द सब्जेक्ट दैट यू हैव फेल्ड, नॉट द एंटायर सेमेस्टर। एक ताले, अब हर ताले की चाबी अलग होती है, आपको बता देता हूँ ये भी, कई कई ऐसे कॉलेजेस है उसमें कुछ ऐसे कोर्स है, ऑप्टिशियन का कोर्स जो आपका जॉर्जियन बेरी में है उसके लिए आपको 75% नंबर चाहिए पास होने के लिए। एग्जैक्ट, कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनके साथ आप कोर्स में करते करते साथ में आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी साथ में इंटर्न या को-ऑप ऐसे कुछ इंक्लूड होता है, उसका एक डिफरेंट टाइप का वर्क, आपको स्टडी परमिट मिलता है, आपके स्टडी परमिट पे लिखा होता है। एक चीज और भी हो सकती है, मे बी जो उसने सब्जेक्ट फेल किया वो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट हो कि आगे पढ़ने के लिए वो सब्जेक्ट चाहिए चाहिए पास। हाँ, पर उसके लिए पूरा सेमेस्टर नहीं रिपीट करना पड़ता है, प्री रिक्विस्ट और नॉर्मल में ये फर्क है कि प्री रिक्विस्ट में आपको जो है 60% चाहिए एग्जैक्टली, और नॉर्मल आपको 50% चाहिए, फेल होने का आपका मार्जिन है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है 10% से, अदरवाइज रूल तो सेम है, सेम है, मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि पूरा सेमेस्टर फिर से रिपीट करना पड़ता है। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चेंज इसलिए हो सकती है, एक क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं, आई थिंक टुडे आज डेट में भी होंगे ऐसे कोर्सेज, पहले तो मुझे फॉर श्योर पता होता है कि आपके वर्क जो आपको स्टडी परमिट मिलता है ना वहाँ पे जब आप जाते हो, वो बेसिकली इमिग्रेशन में आपको स्टडी परमिट देता है तो पे लिखा होता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क आउटसाइड द कैंपस। या एग्जैक्टली,
तो इस टाइप का भी होता है। तो एक रिसर्च जरूर करके आने आप लोग जो आओगे, या आपने ये रिसर्च करके आने कि आपका जो वर्क स्टडी परमिट है उसके अंदर आप आउटसाइड द कैंपस कितने आवर्स कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए पहले। और दूसरी चीज़ ये, आप डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज जो है आपको वर्क परमिट दिलवाता है, कौन सा कंडीशनल वर्क परमिट दिलवाता है, कौन सा बिल्कुल वर्क परमिट नहीं दिलवाता, उस चीज़ का भी ध्यान रखना आई थिंक और होता है एक यहाँ जो। चीज मेक देम क्लियर एज वेल कि ऑन कैंपस जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है अंटिल अनलेस यू डोंट नो द पीपल, मतलब जो जहां पे अगर या तो यू डोंट नो द पीपल अबाउट रेफरेंस थिंग, या फिर यू आर प्रोएक्टिव ऑन कॉलेज वेबसाइट कि यू एग्जैक्टली नो अभी ओपनिंग हाँ, मतलब अभी प्रोएक्टिव से भी ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि इफ यू नो पीपल, जैसे अगर कोई कैंपस की रेफरेंस कैंटीन में काम कर रहा है एंड आई नो दैट वो छोड़ के जा रहा है तो वो मेरा नाम दे देगा, तो रेफरेंस सिस्टम से मिल गई बिल्कुल। जॉब। रिफिल्स के अलावा जॉब्स ऑन कैंपस मिलना बहुत मुश्किल है, पर मैंने ट्राई सेंटिनियल के करके देखा साथ है। एक चीज बढ़िया सेंटिनियल के साथ कि सेंटिनियल के जो भी 7-8 जितने भी कैंपस हैं सारे के कैंपस सारे टोरंटो के अंदर है, और टोरंटो कहीं से भी कहीं पे भी आपने जुड़ जा रहा जाता हो है। तो वो आप मतलब 1.25 घंटा एलिजिबल है। चलो यार और आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, मेरे पास बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड काफी नॉलेज है, मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ जूनियर टाइटल्स हैं, तो उसके बेसिस पे तो मैंने जिम में जॉब अप्लाई करी थी, यहीं पे सेंटेनियल के जिम मॉर्निंग में साइड मॉर्निंग साइड में करी थी, बट मेरे को मिली नहीं, किसी और को मिली, ही वॉज ऑल्सो माई फ्रेंड बट वो जिम करते करते दोस्त बना था, बट जिसको जॉब मिली वो पहले से उनको अंदर से जानता था क्योंकि जो स्टूडेंट एसोसिएशन में काम करते थे। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये है कि जिधर भी मेरे को जॉब आज तक मिली है वो रिफरल्स के थ्रू ही मिली है, मतलब मेरे को ऐसा कभी नहीं हो गया आई वॉक इन टू एन इंटरव्यू और जॉब लग गई, जब तक रिफरल नहीं था मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जॉब्स मिल जाती हैं, पर ट्राई एक चीज मैं जरूर यहाँ मेंशन करूंगा कि क्यों, जो मैं चीज बोल रहा था वही बेसिकली कंप्लीट करूंगा जो अभी मैं बोल रहा था कि इन बिटवीन अगर आप किसी और कैंपस में अप्लाई करना चाहो तो आपके पास एटलीस्ट वाइडर ऑप्शन वाइडर तो है, ऑब्वियसली और मतलब बहुत सारे कॉलेज ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉलेज का एक कैंपस होता है सडबरी, दूसरा होता है टोरंटो, टोरंटो तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ट्रैवलिंग सेंटिनी के कर साथ ये चीज़ अच्छी है कि एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज मुझे लगता है कि यू हैव एज कि आपके ऑन कैंपस जॉब ढूंढने के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा है। ज्यादा खैर हैं हम थोड़ा ज्यादा डेविएट कर गए अपने टॉपिक से, हमारा टॉपिक ये था एग्जैक्टली 2022 में। अब ये सारी चीजें देखो ये भी जानना जरूरी है कि जब सब सही था तब क्या क्या होता था, आपको बेसिकली उसका भी हाँ एग्जैक्टली हम 2019 से पहले का उन्नीस बता रहे हैं, 20 से एक्चुअली उन्नीस से 20 में पहले लगा का था बता रहे लॉकडाउन हैं फेब में, उससे पहले का बता रहे हैं कि क्या क्या कि था। क्या सिचुएशन थी एक्चुअल में, क्या ग्राउंड रियलिटी होती थी। जब भी कभी बैक टू नॉर्मल होगा तब ये सारी चीजें जो है दे विल कम इन टू प्ले अगेन। अभी आज की डेट में तो मेरे ख्याल से वीडियोस भी पिछले कुछ टाइम बनी लॉकडाउन चल रहा है तो यार, मोस्टली अभी वीडियोस भी बन रहा कनाडा, है। अभी भी कनाडा में लॉकडाउन चल रहा है, 50% ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन बोलो 50% ऑक्यूपेंसी है हर जगह, ऑक्यूपेंसी हर जगह, 50% रेस्टोरेंट्स में ऑक्यूपेंसी है हर जगह, मतलब एक टेबल पे बैठो एक छोड़ो फिर एक फिर पे छोड़ो, बैठो अगर है। 100 लोग पहले अंदर रेस्टोरेंट में थे अब 50 हैं। और ये अभी अभी काला जो हुआ है हाँ, बिकॉज़ ऑफ और दिस न्यू वेरिएंट। एग्जैक्टली और ये सेम चीज विद द स्टाफ भी है कि जहां पे पहले अगर आपको 4 शिफ्ट्स मिल रही थी अब आपको 2 मिल रही हैं, और ये चीज 2020 में भी हुई थी, 20 में भी हुई थी एग्जैक्टली। और मैं इसलिए प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये पूरे साल चलेगी क्योंकि कनाडा ने अभी फिर से हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने दोनों ने जो बेनिफिट्स थे कोविड से रिलेटेड वो फिर से रिन्यू कर दिए, रिन्यू मतलब कर बढ़ा दिए, दिए आई हैं थिंक 30% बढ़ा छह दिए, वीक्स के लिए फिर से बढ़ा दिए 30% बढ़ा दिए शायद, कुछ हुआ है। पहले सबसे पहले बेनिफिट आया था आपका स्टूडेंट्स के लिए था, सर्व सीआरबी आया था, सीईआरबी कनाडा सीआरबी आया इमरजेंसी, पहले रिलीफ वो बेनिफिट सेकंड आया आया था, पहला आया था कनाडा इमरजेंसी रिलीफ बेनिफिट, फिर आया था कनाडा रिलीफ बेनिफिट, और जो सीईआरबी था उसमें ज्यादा पैसे मिलते थे, सीआरबी में कम पैसे मिलते थे। सीआरबी पहले आया था, सीआरबी पहले आया, मैंने सीईआरबी मैंने लिया है वो नहीं, कनाडा इमरजेंसी रिलीफ बेनिफिट जो था वो सेकंड टाइम रिस्पांस रिलीफ ऐसे कुछ हाँ, जो दो तरह के आए थे बेनिफिट आए थे। सीआरबी में था कि आपको $1,000 मिलते थे बट वो अनटैक्स थे, सीईआरबी में आपको 900 मिलता था, 1,000 में से वो $100 पहले ही काट देते थे, टैक्स कट के आता था, तो एट द एंड ऑफ द डे सेम चीज ही होती थी। बट यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि अगर लॉकडाउन चल रहा है तो बेनिफिट्स मिलना बहुत आसान है, मतलब ऑनलाइन जाना है सीआरए के वेबसाइट पे, आपको अप्लाई करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है, वहीं पे आपको पता चलेगा इफ यू आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट और नॉट। मोस्ट प्रोबेबली ये जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ सब बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल थे, बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड करके भी लिए हैं खैर उसके बारे में बात अपने बेनिफिट्स, और लाइक माई सेड विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज देखिए मैं हम किसी भी तरह की किसी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही मैं कैश जॉब्स को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं उस बारे में बात भी नहीं करता हूँ जिस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता। उसके अलावा अगर तुम कनाडा आ रहे हो, मतलब आप लोग सारे अगर कनाडा आ रहे हो तो ये सोच के आना कि लाइफ यूजुअल से थोड़ी अलग हुई, बट आई गेस दिस 2 साल से जो भी चल रहा है यही यूजुअल है,
मतलब अब 2 साल न्यू नॉर्मल, ये तो हम लोगों ने वीडियोस देख देख के पता कर लिया, मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस बना दी इस पे कि क्या न्यू नॉर्मल है, क्या क्या चेंजेस है, क्या एक्सपेक्टेशन तुम कर सकते हो। एक चीज अभी बात ये आ रही है कि जो असल नॉर्मल है उस पे कब जाएगा, मतलब एक उसी से रिलेटेड में चीज बोलना था, मतलब 2 साल हो गए हैं मैंने टीटीसी फुल नहीं देखी आज तक, सबवे फुल नहीं देखी, टीटीसी बसेस फुल नहीं देखी। मुझे लगा है तो अच्छी बात है, आपके साथ वाली सीट पे कोई नहीं बैठा, पहले बड़ा कंजेस्टेड होकर लोग बैठते थे, बट अभी साथ वाली सीट पे कोई नहीं बैठा, मेरा बैग बड़ा हैवी है वहां पर। बट इससे एक चीज और है ना कि मे बी पीपल आर अफ्रेड। अच्छा एक एक चेंज और आया बहुत बड़ा, एक चेंज और आया बहुत बड़ा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट चेंज, कि जो लोग पहले गाड़ियां अफोर्ड कर सकते थे, हम लोग तो चलो कर सकते हैं फिर भी थोड़ा बहुत तंग होंगे मुझे लग रहा है, जो लोग खुला अफोर्ड कर सकते थे गाड़ियां, वो लोग अब गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं क्योंकि अब उनके दिमाग में आ गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली अभी प्लस इट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू उबर, उबर उबर इट्स। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि रेस्टोरेंट्स क्लोज हैं, लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, हर किसी को खाना तो घर पे चाहिए। कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने पैसे कमाए, बहुत, मतलब मैंने खुद कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा मिलती थी, जब मेरे पास जॉब नहीं थी मैं भी उबर करता था, क्योंकि लिविंग डाउनटाउन पैसे थे नहीं रहे, और उसका टैक्स देना पड़ता है बाद में, बता दो। हाँ एग्जैक्टली, उसका टैक्स देना पड़ता है आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, बट आप अगर जब भी टैक्स रिटर्न करोगे तो आपका जो भी टैक्स रिटर्न करने में आपका सीए हेल्प करेगा, वो ही लेट यू नो कि आपने कैसे कैसे सब कुछ करना है। उबर करने के बेनिफिट्स काफी ज्यादा है, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक बारी तो जरूर करो उबर ईट्स, चाहे उबर करो चाहे लिफ्ट करो चाहे कुछ करो, बट हाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर होता है। और दूसरा, दो चीजें आप करने के लिए एलिजिबल होते हो, मेरे से किसी ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि अब सब देखो बिकॉज ऑफ थिंग्स गेटिंग चेंज, लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब ना मिले तो क्या करेंगे, तो मेरे को पीछे बड़े कमेंट आ रहे थे कि मेरे को भैया बताओ कि हम लोग अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम कोई बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोस्तों मैं इसी में अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने चेक किया था ये प्रॉपर जाके, मतलब ऑनलाइन चेक किया था, तो बड़ा अजीब सा रूल है ये कि अगर आप स्टूडेंट हो फिर तो नहीं, पर 2 साल में वर्क परमिट पर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टूडेंट में तो ऐसे गुजारा रहता है, तो वर्क परमिट जब आप आ जाते हो ना तब मेरे भाइयों आप कर सकते हो बिजनेस, पर उसके लिए आप किसी के साथ भागीदारी नहीं कर सकते, मतलब हम दोनों मिलके नहीं कर सकते, अकेला करना, अकेला अकेला बिजनेस कर सकते हैं। और आई डोंट नो द सेंस ऑफ दिस रूल, क्या लगता है ये रूल की सेंस? रूल थोड़ा सा अजीब है, मे बी दे आर ट्राइंग टू प्रमोट टू जॉब्स हियर, ज्यादा जॉब्स करेंगे क्योंकि ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो सके, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि वो फिर आपका आवरली वेजेस में से टैक्स डिडक्ट हो जाता है। पॉपुलर एक चीज यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे इंडिया में लोग बोलते हैं कि जॉब करो सिक्योरिटी आएगी, उसके कॉन्ट्रेरी यहाँ पे है कि जॉब मत करो अपना बिजनेस स्टार्ट करो इफ यू वांट टू गेट रिच, व्हाई यू वांट टू वर्क फॉर समबडी एल्स। या एग्जैक्टली, यहाँ पे थोड़ा उससे अलग चलता है इंडिया में, क्योंकि जॉब से सिक्योरिटी आती है, यहाँ पे बिजनेस की सिक्योरिटी है, दैट्स इट। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम बताओ कि इंडिया कब आओ, मैंने बोला मैं नहीं जानता, कौन जानता है, मैं कहा ये जानता है कोविड कि मैं इंडिया कब आऊँगा। तो इस बात का जवाब भी, अब असल जवाब तो मैं पॉसिबिलिटीज आपको सारी शेयर कर दी, इसमें से कुछ भी हो सकता है, पर असल जो इसका आंसर है वो आपको वक्त दे सकता है, वो आपको हमारा कोविड दे सकता है, कोई नया अगर वेरिएंट आया तो वो दे सकता है, और डग फोर्ड दे सकता है, और डग फोर्ड भी दे सकता है, डग फोर्ड ही दे सकता है, डग फोर्ड तो उस हिसाब से चलेगा ना। एंड बाय द वे, जब तक ये वीडियो बाहर आएगी तब तक ओंटारियो में 11,000 केसेस हो गए होंगे दिन के। हाँ कनाडा के पास बूस्टर शॉट्स भी इनफ है, एंड और शुरू हो गए, मतलब बूस्टर शॉट्स लगने शुरू हो चुके हैं प्लस के हो चुके हैं शुरू, एंड वी हैव इनफ डोजेस फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 11। सो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास डोजेस नहीं है यहाँ पे, वी आर गेटिंग इनफ जैब्स फॉर एवरीवन, बट फिर भी 50% ऑक्यूपेंसी तो रखी है ना, आधी चीजें तो फिर भी क्लोज है और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो मतलब लुकिंग एट द ट्रेंड इट डजंट लुक लाइक कि एनी टाइम सून सब कुछ खुलेगा जी। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, अब अगर आप आ रहे हो तो यही सोच के हो कि ऑनलाइन पढ़ना है आपने, फिर भी दिमाग में जरूर रखना कि ऑफलाइन की जो चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं वो हमने मुझे लगता है वीडियो में बता दी हैं, तो फिर भी अगर हो गया तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके अलावा चैनल को फॉलो करते रहो तो आपको और ज़्यादा बातें इसके बारे में जानने को मिल जाएंगी, कि बताता रहूँगा बीच में थोड़ा थोड़ा, और मैं पहले बताता रहता हूँ कि पहले कैसा सिस्टम था अब कैसा है, तो एक कंपेरिजन करके चलो आप प्रिपेयर रहो एनी टाइम वापस गोइंग टू स्कूल के लिए, फिलहाल ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर होके आओ। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन पीस।